भाइयों और बहनों, आज हमारे पास आ चुका है Asus का ROG लैपटॉप। इसका सीरीज है Strix 16 और ये अभी के टाइम में बड़ा ही लेटेस्ट मॉडल है। तो मेरा नाम है स्वरित सिंह, आप देख रहे हैं स्वरित स्टूडियो। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है ROG का Strix 16 लेटेस्ट वर्जन और ये मैंने परचेज किया है क्रोमा के शोरूम से, जो कि टाटा का एक ब्रांड है। देख लीजिए, इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका हैंडल है और ये है इसका बैक व्यू। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा इसकी Asus की जो पैकेजिंग रहती है वो काफ़ी प्रीमियम रहती है। तो चलिए अभी इसके अंदर से देखते हैं इसका फुल लुक। तो सबसे पहले इसे हमें काटना पड़ेगा। दोस्तों, ये कट चुका है, अभी देखते हैं इसके अंदर। ROG, Republic of Gamers। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उठाते हैं इसको। ओ भाई, ये था इसका बॉक्स। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, सब जो भी कुछ होगा इसके अंदर ही होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। ये है Asus का ROG। वेलकम टू जीमू सिटी। कुछ नहीं है यहाँ पे। ये है लैपटॉप, इसे हम बाद में देखेंगे, तब तक ये इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या और है मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम अनबॉक्स किए, यहाँ पे आता है उसका चार्जिंग एडाप्टर और ये उसका केबल, तो इसे भी साइड में रखते हैं। और एक और बॉक्स है जो कि अभी पैक है, उसके अंदर देखते हैं क्या होगा। ये है उसकी मैनुअल, हाउ टू ओपन दिस एंड दिस दैट ऑल, इसे हम बाद में पढ़ेंगे और आपको पढ़ाए और आपको बताते हैं। इसे हम अभी थोड़ा साइड में रख देते हैं और अभी बात करते हैं हमारे लैपटॉप के बारे में। ये रहा प्रीमियम लैपटॉप। तो ये इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक की कवरिंग है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है लैपटॉप, इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रीमियम रबर का टेक्सचर दिखेगा और साथ ही साथ इसके यहाँ पे Asus का लोगो दिखेगा जिसके अंदर से लाइट जलती है। और यहाँ पे एक रिपब्लिक ऑफ गेमर नाम की एक पट्टी लगी हुई है। यहाँ पे एक पेपर है जो कि इस पे ऊपर स्टिक किया गया है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। 15 डिग्री लोअर CPU टेम्परेचर, लिक्विड मेटल और एक्सट्रीम साथ है, फुल सराउंड वेंट्स, मैक्सिमम एयर फ्लो, बूस्ट अप कूलिंग एफिशिएंसी, ट्रूली साइलेंट। हाँ दोस्तों, ये साइलेंट तो खूब होता है क्योंकि है ये गेमिंग लैपटॉप। दोस्तों, इसका वजन लगभग 1 किलो के करीब है, अगर चार्जर और एडाप्टर दोनों मिला दे तो होता है लगभग 2 किलो। और ये है इसके बैक साइड में देख लेते हैं हम। यहाँ पे रबर का एक दो स्टैंडिंग के लिए रखा गया है, इसके अंदर फैन है जो कि कूलिंग कर सके। और यहाँ पे लगभग कुछ खास तो है नहीं, जो भी होगा इसके अंदर ही होगा। यहाँ पे लिखा है i7 कूलिंग। ये है चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे वापस से एग्जॉक्स फैन। ये है HDMI जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं बड़े LCD में देखने के लिए। ये है सी टाइप हार्ड डिस्क कनेक्टर और इसके बाजू में हेडफोन कनेक्टर। और बस अभी इसके अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे एक प्लेट है जिसको हम लिखा है प्लीज़ रिमूव दिस स्टिकर बिफोर यूजिंग द लैपटॉप। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो अभी गाइस, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके अंदर जान के देखने के लिए कि क्या मौजूद हो सकता है इसके अंदर। तो चलिए, लेट्स बिगिन विद अस। वाओ, ये यहाँ पर एक आपको पेपर देखने मिलेगा जो कि है डस्ट से आपको कंप्यूटर की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसे साइड में रख देंगे। और ये यहाँ पे दिया है कैमरा जिसमें आप वीडियो कॉल या फिर वीडियो चैटिंग के दौरान आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मौजूद है। ये है, यहाँ पे पावर बटन है,
बस और कुछ सिमिलर तो दिख नहीं रहा, तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। वाओ, यहाँ पे तो आज भी लाइट जलने चालू हो चुके हैं। वैसे आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक ऑरा कंट्रोलर भी होता है जिससे आप इसकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ, ये देखा आपने, ये था इसका प्रीमियम लोगो और ये है इसकी खास बात। जी हाँ गाइस, इसके अंदर सच्ची में बोला गया था कि 0 डेसिमल की वॉइस होगी और ये सच बात है। इसके अंदर साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है फैन का, तो लेट्स डू द टेस्टिंग टाइम। वाओ, यहाँ का प्रीमियम टेक्सचर है। और चलिए इसके आर्मरी क्रेट में जाके देखते हैं कैसा यहाँ का स्मूथ परफॉर्मेंस दिखाता है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ का सीपीयू आप देख सकते हैं, आप एकदम 0 RPM पे चल रहा है, मतलब कि 0 वॉइस कंज्यूम कर रहा है और 0 वॉइस छोड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं आप इसकी कितनी फास्ट चल रही है। आप अगर आपको इसके गेमिंग मोड में जाना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे गेम लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे गेमिंग विजुअल भी है, यहाँ पे टोटली गेमिंग के लिए। और ये है ऑरा सिंक, इसके अंदर जाके आप, अगर आपके पास होगा तो आप इसके अंदर जाके इसका RGB को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे अभी अपडेट करना पड़ेगा, जो कि अभी मेरे पास आपको दिखाने के लिए टाइम नहीं है। और बाकी काफ़ी सारे नए नए फीचर्स दिख रहे हैं इसमें मुझे, जो कि अभी मैं इसे देखना नहीं चाहूँगा। ये क्या है, ध्यान से देखिए इसको। ये है एक, आपको न्यूज़ देने वाला है एजूस के तरफ से, एक दिया गया है फीचर जो कि मैंने अभी इसको अपडेट किया है तो आपको दिख रहा है ये। और इसके कीपैड पे आके देख सकते हैं आप क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑरा दिया हुआ है, जो कि मैंने बोला ऑरा कंट्रोलर यहाँ का RGB को कनेक्ट करता है, कलेक्ट करता है। यहाँ के सारे फीचर्स देखिए आप कितने सही दिख रहे हैं। अगर आप ये स्पेशली तो दिया गया होता है कि आप इसमें गेमिंग कर सके, या अगर आपको कोई भी मल्टीटास्किंग काम करना है जैसे कि एडिटिंग वगैरह वगैरह, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं, बट ये गेमिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। तो अगर जब भी मैं गेम खेलूँगा तो आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊँगा। ये कंप्यूटर आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और ये है हमारा स्टूडियो और ये है हमारा न्यू टॉय, तो अ न्यू टॉय एडेड टू आवर सेटअप।